रामगढ़ दाल पुलिस ने हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर डुमुआ ढाला के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सागर निषाद पुत्र सुरेश निषाद निवासी गायघाट बुजुर्ग थाना रामगढ़ दाल के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डंडा बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ दाल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह, कमलेश यादव, कांस्टेबल प्रशांत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में मुकदमा अपराध संख्या 292/21 है, धारा 323, 336, 302 और 34 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत। उसमें अभियुक्त है सागर निषाद पुत्र सुरेश निषाद, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से आला कत्ल एक लकड़ी का डंडा लगभग 3 बलिस लंबाई का इनके पास से रिकवर किया गया। और थाने पर जो टीम है उसमें इंस्पेक्टर साहब की टीम थी, उन्हें इसे गिरफ्तार किया। ये अभी इससे पूछताछ की जा रही है और इसके बारे में जैसे जानकारी होती है आपको बताया जाएगा। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, इसके पहले भी इस पर लूट और आर्म्स एक्ट के मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर।